पहला राफ़ाइल भारत आ गया है, ये फ्रांस ने बनाया है। बहुत बार हम फ्रांस से, रूस से, इज़राइल से इस तरह के विमान, लड़ाकू विमान या दूसरे हथियार, गोला बारूद खरीदते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कभी भारत ने ऐसी कोशिश की है कि अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाए? क्या कहीं आपने पढ़ा है? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहाँ पर आज मैं बात करूँगा मारुत फाइटर प्लेन की, वो फाइटर प्लेन जिसे भारत ने बनाया, जो भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था लेकिन असफल रहा। क्यों असफल रहा, कैसे बना, किसकी सोच इसके पीछे थी, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। आजादी के बाद से ही भारत का सपना रहा है कि वो खुद का फाइटर प्लेन बनाए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में कोशिश भी की। नेहरू चाहते थे कि भारत एशिया का वो पहला देश बने जिसके पास खुद का बनाया हुआ फाइटर प्लेन हो। गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे इस देश में फाइटर प्लेन बनाने का जिम्मा सौंपा गया हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को। नेहरू की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विदेश से इंजीनियर भी आयात किए गए। नेहरू और उनके सलाहकारों ने इसके लिए जर्मन एरोस्पेस साइंटिस्ट कुर्ट टैंक को भारत बुलाया। टैंक ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लिए वुल्फ 190 बनाया था, जो कि बेस्ट जर्मन सिंगल इंजन फाइटर प्लेन था। कुर्ट टैंक को सबसे पहले मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भेजा गया। इससे जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य यह भी है कि यहाँ उस समय एपीजे अब्दुल कलाम छात्र थे, जो बाद में मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बने। अगस्त साल 1956 में जवाहरलाल नेहरू टैंक और उनके सहयोगी हेरमिटल हूपर को लेकर बेंगलोर पहुंचे, जहां उन्हें HF-24 बनाना था। इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा सुपरसोनिक फाइटर प्लेन चाहता था जो मॉक 2 जैसा हो, यानी कि ध्वनि की गति से भी दो गुना तेज। कुर्ट टैंक की टीम और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अप्रैल 1959 में ट्रायल के लिए लकड़ी का बना फाइटर प्लेन तैयार हुआ। साल 1961 में लकड़ी से बने ग्लाइडर के साथ इसने पहली उड़ान भरी। उड़ान के नतीजे मिले जुले रहे। उड़ान के लिए इसे डकोटा के साथ रखा गया था क्योंकि इसमें इंजन नहीं था। उस समय भारत अपना पहला फाइटर इंजन बनाने से कोसों दूर था। हालांकि अब भी भारत अपना खुद का फाइटर प्लेन का इंजन नहीं बना पाया है। टैंक की टीम और भारत के वैज्ञानिकों ने, जिसमें होमी जहांगीर भाभा भी शामिल थे, ने तय किया कि वो ब्रिटिश एयरफेयर्स इंजन का उपयोग करेंगे, जिसे बनाने का लाइसेंस उस समय हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के पास था। हालांकि इसके पहले सोवियत यूनियन, यूरोप और अमेरिका से कई इंजन लिए गए, लेकिन सभी फेल रहे। 1 अप्रैल साल 1967 को दो ऑरफेयर्स इंजन वाला HAL-HF-24 बारूद फाइटर प्लेन भारतीय एयरफोर्स को सौंपा गया। हालांकि यह उम्मीदों के मुताबिक नहीं था और ना ही इसकी गति ध्वनि की गति के बराबर थी। हालांकि एक कहानी ये भी है कि जून 1966 में HF-24 मारुत को, जब उसका निर्माण अभी चल ही रहा था, तब इंडियन एयरफोर्स के पायलटों ने मिस्र के हेलवन में EL-300 इंजन के साथ ट्रायल के लिए ले गए, लेकिन वहां इसने काम ही नहीं किया। साल 1967 में 6 दिन तक चले युद्ध के बाद रणनीतिक स्थितियां बदल गई थीं। भारतीय वायुसेना की टीम 1969 में देश लौट आई और प्लेन को वहीं छोड़ दिया। मारुत के फेल होने की सबसे बड़ी वजह इसका इंजन था। मारुत कभी भी MiG-21 या पाकिस्तान के F-104 जैसे स्टार फाइटर्स की बराबरी नहीं कर पाया। यह कभी भी भारतीय वायुसेना के एयर टू एयर, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली फाइटर प्लेन की लिस्ट में नहीं था। यह लाइट ग्राउंड अटैक तक ही सीमित था। यह 1800 किलोग्राम बम, 100 रॉकेट और 4 कैनन्स ले जा सकता था, लेकिन इसकी डिजाइन ऐसी थी कि यह एक साथ चारों कैनन्स को लॉन्च नहीं कर सकता था। जिस पहले पायलट ने यह कोशिश की, उसका मारुत फाइटर प्लेन अरब सागर के ऊपर क्रैश हो गया और उसकी मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि मारुत को सिर्फ नाकामियों की वजह से ही जाना गया। यह पहली बार चर्चा में तब आया जब बांग्लादेश साल 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। इसने लोंगेवाला में शानदार काम किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी, तब मारुत के इस्तेमाल के साथ भारतीय वायुसेना के जवानों ने कारनामे दिखाए। पाकिस्तान फौज के कई टैंक ध्वस्त किए। 220 स्क्वाड्रन के मेजर बख्शी इकलौते रहे जिन्होंने मारुत के जरिए
हवा से हवा में घातक हमले को अंजाम देकर कोरियन लड़ाकू विमान तकनीक से बने पाकिस्तानी विमान F-86 सैबर को मार गिराया। युद्ध में मारुत के परफॉर्मेंस को देखते हुए इसके इंजन को कई बार अपग्रेड करने की बात कही गई, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने इसमें निवेश को लेकर रुचि नहीं दिखाई। उसके पास विदेश से सुखोई और मिग जैसे बेहतर फाइटर प्लेन खरीदने का विकल्प था। 31 मार्च साल 1990 में आखिरी मारुत फाइटर प्लेन वायुसेना से रिटायर हो गया। अब आप मारुत को सिर्फ एग्जीबिशन सेंटर में ही देख सकते हैं। मारुत फाइटर प्लेन पर आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए, कुछ और जानना है तो भी लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।